हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरी। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चना मसाला। और ये जो काले चने होते हैं फ्रेंड, गावरानी वाले, उस चने का हम मसाला बनाएंगे। चना मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स, और इसे आप कैसे भी खा सकते हो। इसे आप उसड़ के समान भी खा सकते हो, इसे आप रोटी के साथ में खा सकते हो, पूड़ियों के साथ में खा सकते हो, चावल के साथ में भी आप इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है ये आधा किलो के करीब ये चना, जिसको हमने रात भर भिगो के रखा है, पानी में सोख करके रखा है, वाटर में सोख करके रखा हुआ है इसे। और इसे हम ब्लैक बंगाल ग्राम भी कहा जाता है। उसके बाद में हमें अनियन लगेगा, अनियन पेस्ट। एक बड़ा प्याज लिया था हमने, उसका ये पेस्ट बना के रखा है। एक टमाटर का पेस्ट बना के रखा है हमने। उसके बाद में दो टमाटर को हमने रफली चॉप करके रखा है, टमाटर को हमने रफली चॉप करके। उसके बाद में हमें अनियन लगेगा, हमने दो बड़ी प्याज काट के रखी हुई है। करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता लगने वाला है, बे लीव यानी कि हमें तेज पत्ता लगेगा। उसके बाद में हमें सॉल्ट यानी कि नमक लगने वाला है, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर लगेगा, टर्मरिक यानी कि हल्दी लगने वाला है, ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च लगने वाली है, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला। फिर उसके बाद में हमें ड्राई फेनिग्री लगने वाली यानी कि कसूरी मेथी। उसके बाद में हमें चना मसाला लगने वाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा हमें, क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड लगने वाली है। उसके बाद में कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया लगने वाला है, और कुछ स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज लगने वाली। सो फ्रेंड, इसे बनाना बहुत आसान है। और इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखिए। सो फ्रेंड, मेरी ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें इसे कुकर में बॉईल करना है। हम इसमें कुकर में डालते हैं और थोड़ा सा नमक डाल के हमें इसे कुकर में बॉईल करना है। हमने कुकर में हमारा चना डाल दिया और फ्रेंड्स गैस पे भी रख दिया है। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। हम इसमें नमक थोड़ा सा डालेंगे ताकि चने के अंदर तक ये नमक चले जाए। और इसे हमने होल नाइट वाटर में सोक करके रखा हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसका ढक्कन लगा के हमें इसे दो विसल्स होने तक पकाना है। अब इसे हम होने देते हैं बॉईल। अब हमारे चने भी काफी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए बॉईल हो चुके हैं। और ये देखिए हमारे चने काफी अच्छे से बॉईल हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसका पानी पूरा हम एक इसमें ड्रेन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो पानी है इसे फेंकना नहीं है हमें। ये जो पानी है इसका, इसे फेंकना नहीं है, हम इसे सब्जी में यूज करेंगे। हमारे जो हम ये बनाएंगे मसाला, उसमें यूज करेंगे। अब हमने एक पैन लिया है फ्रेंड्स, उसमें हमने एक से बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड सीड एंड क्यूमिन सीड यानी कि राई और जीरा, और ये हाफ ऑफ टी स्पून लिया है हमने। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, प्याज डाल देते हैं। मैंने एक बड़ी प्याज ली है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसी में हम कड़ी पत्ते भी डाल देंगे हमारे। अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने एक टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो चने हैं वो आधा किलो के करीब है। ये चनों को हमने रात भर अच्छे से भिगो लिया है और फिर सुबह इसको हमने बॉइल किया है। अब इसी में हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट और इसे हमें अच्छे से भूनना है, जब तक कि हमारा ये प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से ऑयल न छोड़ दे। भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये हमारे जो चना मसाले को बहुत अच्छा टेक्सचर देगा फ्रेंड, इसकी वजह से हमने प्याज को भी पीस के डाला है।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज भी अच्छी तरह से भुन चुकी है और उसमें ऑयल भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे हमारे गरम मसाले। तो गैस का पावर थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं, और इसमें हम डालेंगे अब हमारा गरम मसाला। ये हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, बाद में हाफ डालेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, ये 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है मैंने। रेड चिली पाउडर फ्रेंड्स आप अपने मुताबिक ही डालना, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिलीज भी डाली है और बाद में लास्ट में स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज भी डालूंगी, तो मैं ये 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ। आपके यहाँ जिस तरह से खाते हैं आप उस तरह से लेना। टर्मरिक यानी कि हाफ हल्दी लेंगे हम। उसके बाद में हम ये चना मसाला 1 टेबल स्पून के करीब हम ये चना मसाला ले रहे हैं। अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है और इसे भी हमें 1 मिनट तक भूनना है। अब ये काफी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा ये टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। और ये हमने चॉप की हुई रफली चॉप की हुई टमाटर फ्रेंड वो भी डाल देंगे। हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड कि हमने चना बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, तो उसके मुताबिक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से गल जाए। इसकी वजह से हम उसमें नमक डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं इसे। और थोड़ा सा मीडियम रख के इसे हमें ढककर पकने देना है। इसे ढक देंगे और इसे हमें पकने देना है। चलिए फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए काफी अच्छे से हमारे मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है और ये काफी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डाल देंगे हमारे बॉईल की हुई ये चने। इसे भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे चने भी काफी अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अभी इसे हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। हम इसे मीडियम पावर पे भूनेंगे। अभी इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे। हमारे चने भी काफी अच्छे से भून चुके हैं फ्रेंड्स और इसने भी ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए ये इस तरह से इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें हमने जो बॉयल किए हुए चने थे उसका जो पानी निकला था वो डाल देंगे। और इसे हमें इस पानी में अच्छी तरह से पकने देना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसे सूखा बनाना है या लटपटा रसा बनाना है या थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है। इसे अभी हम होने देते हैं। साथ में हम डाल देंगे हमारी कसूरी मेथी। ये 1 टेबल स्पून के करीब हमने कसूरी मेथी ली है फ्रेंड। अब इसे हाथों से क्रश कर लेंगे। मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगा के इसे हम पकने देंगे। ढक देंगे और हम लटपटा रसा वाली बनाएंगे फ्रेंड। हल्का सा लटपटा रहेगा ताकि आप इसे उसड़ के समान भी खा सको। अब ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। अब हम हमारे चना मसाला को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी तरी आ रही है इस पे और ये बहुत जबरदस्त खुशबू के साथ में बन रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो ग्रीन चिली स्लिट करके रखी हुई थी उसे डाल देते हैं। इसे मिक्स कर देंगे और इसे हमें 5 मिनट तक और बॉईल भून देना है, अच्छी तरह से पकने देना है ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी कम हो जाए। अरे अब हम हमारे चने मसाले को चेक करते हैं और ये काफी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है फ्रेंड्स ये हमारा चना मसाला। अब हमारे चने मसाले में हमने हरा धनिया भी डाल दिया है, गरम मसाला भी डाल दिया है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। गैस का पावर बंद करेंगे और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गया हमारा चना मसाला।
फ्रेंड्स आप इसकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, और इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ प्लीज़ गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।